有人。ले रहे हैं बिकॉज हम लोग जो घर से क्लोथ लाए थे वो लोग बेफालतू में नाटक कर रहे थे, तो अभी बिट्टी और मम्मी के लिए हम लोग यहाँ पे टी शर्ट ले रहे हैं एंड पापा के लिए भी एक अपना शॉर्ट्स ले रहे हैं। और मेरा तो बाकी सब कुछ परफेक्ट है क्योंकि मेरे तो थे ही बेफालतू में नाटक कर रहे थे, बार बार टोक रहे, तो हमने कहा छोड़ो यार बेफालतू में तंग करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से अभी ले रहे हैं। नहीं तो वैसे लेने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने तीन चार लोगों को देखा, उनको बताया देखो एग्जाम्पल, लेकिन नहीं उन्हें हमें टोक, ठीक है चलो ले ले। बिट्टी जाए देखो सबसे पहले आगे जा रही है, ये देखो फ्रेंड्स ये पूरा खाती क्या। तो अभी मैं जाऊँ अंदर जा रहा हूँ पानी में, थोड़ा देखते हैं भाई पानी के शॉट्स लेते हैं मस्त मस्त। चलो आजा बिट्टी, ओए होए तीनों मैचिंग मैचिंग, तीनों का मैचिंग मैचिंग। आई एम रेडी टू स्प्लैश, है रेडी टू स्प्लैश, रेडी टू स्प्लैश हो हाँ। जो है ये हो चुका है क्या बोलता है इसको, अभी हम एक्वाटिक में तो हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे अंदर लगून में और थोड़ी मस्ती करते हैं। तो अभी हम लोग वेटलांटिक से अभी जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक जकूजी है तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, जकूजी नहीं बताएंगे जो भी बोलते हैं, लेकिन अब हमें तो उस समय जकूजी बताया था, अब जो भी है हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है देखिए आ रहे बच्चे भाई, ये कर रहे हैं तेरे को चढ़ दो, चलो भाई चलें, फिर उसके बाद अपन ड्रिफ्टिंग रिवर ये सब कुछ करेंगे, ठीक है ड्रिफ्टिंग रिवर ये सब। हाँ जाओ, मेरे पापा भी आ चुके हैं, यहाँ पे बिट्टी है और यहाँ पे मैं हूँ। बाहर देखेगा बाहर, तो यहाँ पे जब रेन डांस हो रहा है तो अभी हम रेन डांस करने के लिए आए हैं, डांस स्लिपरी है। ये इसके यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जो पानी आता है पूरा, तो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। चलो तो अभी हम दोनों रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो यहाँ से भी चलो पिट्टी और पप्पू को ट्यूब पे बिठा दिए और इनके ड्राइवर इनको लेके जा रहे हैं, चलो गिरा दो इनको यहीं पे। अरे रो मत, अगली बार मत लाना इसको। तो अभी ये लोग के जो है पापा को ड्राइवर बनना पड़ा कि ये लोग टपक ना जाए, तो समझ रहे हो यहाँ पर मौज है, मैं आपकी गिर जाता। अरे सब्सक्राइबर मैंने क्या नाम आपका, रिवान मैडो, कहाँ से हो, भावनगर, किसी को आने मत देना। तो फ्रेंड्स अभी वो वाला हमने राइड किया, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था लेकिन मज़ा भी आया एंड थोड़ा डर भी लगा, लेकिन अगली बार नहीं करूँगा वाली राइड। और अभी अपन बाहर चलते हैं बिट्टी लोगों के पास, वो लोग वहीं पे
तो अभी उनके पास चलते हैं। आने वाला है बढ़िया, आ रहा है, आ गया आ गया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खाने आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों को भूख लगी थी, तो अभी हम लोगों ने एक थाली ऑर्डर की है एंड साथ में बिरयानी ऑर्डर की है हमने, मतलब दो थाली और एक बिरयानी। और ये देखो पापा, क्या है ये पापा? अच्छा ये थाली होगी, ये थाली आ चुकी है। और बस अभी हम लोग खाते हैं और फिर हम पूल में जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जो है खाना पीना खा लिया है एंड अभी हम लोग थोड़ी देर से बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद हम पानी में जाएंगे। अभी हम प्रॉपर सूख चुके हैं हम लोग, अभी बस आवाज़ भी दिख रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, तो पर आवाज़ भी दिखते कैसी आ रही है। तो फ्रेंड ये देखो बिट्टी पहली बार इतना सामान ला रही है, बिट्टी देखो कितना काम कर रही है, पहली बार बिट्टी इतना काम कर रही है। अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग भाई ट्रेन में हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे आईफोन की बैटरी खत्म हो गई थी, साथ ही में गोप्रो की भी खत्म हो गई थी। तो अभी हम लोग जो है ये ट्रेन से वापस जा रहे हैं, फिर जेट्टी पकड़ के हम लोग अपनी गाड़ी जाएंगे, गाड़ी से घर जाएंगे। पूरा रूट बता दिया भाई मैंने। चलो अभी हो चुका है, अभी हम निकलते हैं वाटर किंगडम से। अभी हम लोग जो है घर पर आ चुके हैं, सबसे पहले मैंने अपने फोन को लगाया चार्जिंग पे एंड अभी मेरा फोन 40% हो चुका है, मैं आके फ्रेश भी हो चुका हूँ और साथ ही में मैंने जो अपने सारे फोन गोप्रो सबको जो है चार्जिंग पे लगा दिया, मैंने मेरा दूसरा फोन भी एंड गोप्रो को भी चार्जिंग पे लगा दिया है, सुखा दिया अच्छे से, फोन को भी सबसे पहले मैंने आके साफ किया एंड उसके अंदर जितना भी पानी था, बहुत पानी था, बहुत तो नहीं लेकिन था पानी, तो निकाला, ड्राई किया क्योंकि जब मैं चार्जिंग पे लगाया ना पावर बैंक पे वहाँ पे एसएल वर्ल्ड में, सॉरी वाटर किंगडम में, तब उसमें नोटिफिकेशन आ गया यार आईफोन लाइक। अब देखो यार मैं सीरियसली बताऊँ, मैं एकदम नया नया आईओएस यूज़र हूँ, ठीक है, मेरे को यूज़ करते हुए अब तक पूरा एक साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि जब भी आप गीला रहता है फोन उसको चार्जिंग पे लगा दो तो नीचे नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आपका फोन जो है उसमें वाटर डिटेक्ट हुआ है एंड आप इसे प्लीज अभी चार्जिंग में मत लगाओ, तो उसने रोक दी लिटरली चार्जिंग एंड वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, पावर बैंक बंद का बंद हो गया एंड फिर उसके बाद जो है आईफोन चार्ज नहीं हुआ, मेरे को लगा पावर बैंक चार्ज हो गया लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला कि तो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने सबसे पहले आके चार्जिंग पे लगाया, इसको साफ किया, इसमें पूरा पानी निकाला एंड अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और बैठते हैं थोड़ी देर। ऊपर से आज तो साथ में गजब वाली टैनिंग भी हो चुकी है, लिटरली लग रहा है, वो कैमरे भी नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे लग रहा है भाई दिख रहा है प्रॉपर टैनिंग हो चुकी है एंड मेरी आँख पता नहीं क्यों लाल हो रही है, शायद आज हम नॉर्मल पानी में थे वो क्लोरीन वाला पानी रहता है तो इस वजह से मेरी आँख भी लाल हो रही है, तो सुबह तक जो है या फिर नींद भर चुकी है आई गेस क्योंकि मैं बहुत कम सो रहा हूँ तो इस वजह से शायद से लाल हो रही, रात भर सोऊंगा तो सही हो जाएगी। साथ ही में हमारा एसी जो था वो ख़राब रह चुका है, मतलब ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ इसमें, शायद से आगे अभी क्या हुआ था, रिसेंटली बारिश हुई थी और बारिश की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा हमारी गैलरी में आया था एंड गैलरी के आने की वजह से ये जो है हमारी एसी के में भी पानी गया होगा, तो इस वजह से हमारा एसी ख़राब है। वो परसों आया था टेक्नीशियन, उसने चेक किया एंड अभी वो ठीक करके जाएगा एक दो दिन में,
तो यहाँ का बाहर का तो एसी भी नहीं चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और पापा बाहर गए थे थोड़ा मार्केट तक, तो लोग मार्केट से लाए हैं हमारे लिए फ्रैंकी और पिज़्ज़ा, हमारे फेवरेट फास्ट फूड वाले से।